आपका आगे बढ़ते हैं, बात छिंदवाड़ा की करेंगे। ग्रामीणों ने स्वास्थ्य कर्मियों को बंधक बनाया, महिला सीएचओ और एएनएम को बंधक बनाया है। वैक्सीन से महिला की तबीयत बिगड़ने पर बंधक बनाया, ग्रामीण गुस्सा गए थे। महिला की तबीयत सुधार करने के लिए बंधक बनाया है तो ग्रामीण चाहते हैं कि जो स्वास्थ्य कर्मी है वो महिला की तबीयत में कुछ सुधार लाएं। सूचना पर पुलिस ने हस्तक्षेप कर महिला स्वास्थ्य कर्मी को छुड़ाया। छिंदवाड़ा के हररई विकास खंड का ये मामला है। तो ग्रामीणों ने स्वास्थ्य कर्मियों को बंधक बनाया है। अधिक जानकारी लेते हैं, अमित द्विवेदी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अमित, पूरा मामला बताइए। जी प्रेरणा, ये छिंदवाड़ा में आज एक अलग तरह का मामला सामने आया। कल वैक्सीनेशन एक महिला का हुआ था, वैक्सीनेशन के बाद आज महिला की तबीयत बिगड़ी थी, जिसको लेकर ग्रामीण आक्रोशित हो गए। और ये पूरा मामला है हररई विकास खंड के ग्राम कारापाठा का, जहां पर ग्रामीण आक्रोशित हो गए एक महिला की तबीयत बिगड़ने के कारण, और वहां पर मौजूद सीएचओ और एएनएम को बंधक बना दिया। लगभग 4-5 घंटे उन्होंने बंधक बना के रखा। पुलिस को सूचना दी गई, पुलिस को सूचना देने के बाद पुलिस के हस्तक्षेप के बाद इन बंधक स्वास्थ्य कर्मियों को छुड़ाया गया। एक बेहद अलग तरह का मामला है। ग्रामीण आदिवासी क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में वैक्सीनेशन को लेकर रुझान की कमी का मामला एक तरह का निकल के सामने आया है। वैक्सीनेशन के बाद महिला की तबीयत बिगड़ गई थी, जिसको लेकर ग्रामीण आक्रोशित हो गए थे और उन्होंने स्वास्थ्य कर्मियों को बंधक बना लिया। इसके बाद स्वास्थ्य कर्मी महिला भी इसमें तीन वहां पर थी। पुलिस के हस्तक्षेप के बाद इनको छुड़ा लिया गया है। जिस महिला की तबीयत खराब थी वो महिला अभी बढ़िया है, स्वस्थ है। जी प्रेरणा, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो बता दें कि जिस महिला की तबीयत बिगड़ी थी उसकी स्थिति फिलहाल स्थिर है, वो स्वस्थ है। लेकिन ग्रामीणों ने स्वास्थ्य कर्मियों को यहाँ गाँव में बंधक बना लिया था। वैक्सीन से महिला की जब तबीयत बिगड़ी थी तो ग्रामीण आक्रोशित हो गए थे, जिसके बाद स्वास्थ्य कर्मियों को बंधक बनाकर ग्रामीण ये मांग कर रहे थे कि जिस महिला की तबीयत खराब है उसको जल्द से जल्द दुरुस्त किया जाए।